लखनऊ से है मैम, सुनिए, अगर एप्लीकेशन और यस मैम कोई जरूरत नहीं है, देयर इज अ ट्विटर अकाउंट ऑफ आरआरबी, आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, हमारा हेल्पलाइन चलता है, आपको यहाँ आने की मैम बहुत सी हेल्पलाइन और ईमेल ऐसे भी चलती हैं कि आप उन पे मैसेजेस कर दीजिए, उनका रिप्लाई कभी नहीं आएगा और आएगा भी तो नेगेटिव आएगा। ऐसे भी ये सर हाईली रेप्यूटेड कॉलेज का ये हाल है, उनके ईमेल के आंसर जल्दी नहीं आते हैं। हम ईमेल और इन सब के मैम आप मुझे एक चीज़ का आंसर कर दीजिए। नहीं मैम नहीं वो मैम मैम आप मुझे ये आंसर कर दीजिए, हम फर्स्ट वालों के नहीं बोले, वो जब निकले उन्होंने कहा कि इंस्ट्रक्शन देने में प्रॉब्लम थी, वर्ड्स क्लियरली नहीं थे, सेकंड कीबोर्ड की इशू उस टाइम भी रेज हुआ था। मैम दो पार्टीज दो पूरी पूरी एक तरह से शिफ्ट में था मैम, है मैम कीबोर्ड का इशू है, कीबोर्ड का आपका बैक स्पेस का इशू था मैम। सुनिए मैम रुक जाओ मैम, जो पहले के बच्चे गए हुए हैं वो हम लोग को भी आके बोल रहे हैं मैम। हम देखिए अगर हमारे साथ वो चीज़ ना हुई होती, वो इंसिडेंट ना हुआ था, तो हम लोग खुद ही ना बोलते। मुझे दे दीजिए, आई विल एग्जामिन इन अ वेरी डिस्पैशनेट वे, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, आप मुझे कंप्लेन की लिस्ट बढ़ा के वी आर नॉट गेटिंग मैम। तो आप अभी ये चीज कि आप मुझे वेरीफाइड कंप्लेन दीजिए, वेरीफाइड मींस वो जो पेजेस है एक ही एप्लीकेशन पे सारे अपना मैम। ये प्रॉब्लम आप ये कब तक वेरीफाई कर लेंगे? आप हम लोग नंबर लिखेंगे, आप क्या हमें मैसेज कर सकते हैं कि आपके साथ दिक्कत? यस मैम, तो मैम कोई टेंटेटिव डेट भी नहीं है आपकी? मैम मैम ये चीज प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं यहाँ क्यों मैम यानी मैम इट मींस यू आर एडमिटिंग मैम आई एम एक्सेप्टिंग देयर आर कंप्लेंट्स देयर आर प्रॉब्लम्स आल्सो देयर आर कंप्लेंट्स मे बी मैम डिस्पैशनेटली सी कि कितना इसमें क्या क्या किस हद तक कंप्लेंट्स हैं जिसमें क्या क्या इश्यूज हैं हम क्या क्या रिजॉल्व कर सकते हैं मैम। आप मेरे से क्या चाहते हैं? नहीं मैम वो आपकी बात हम मान रहे हैं, हम लोग वो करेंगे भी, उसमें हमें कोई इशू नहीं है मैम। ये बात है कि अगर हम लोग की कंप्लेंट्स पे कोई जैसे आपने चेक किया, आपने ये भी नहीं हम लोग को डिस्क्लोज कर रहे हैं कि किस डेट को होगा, कब तक हमारी प्रॉब्लम सुनी जाएगी, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं, हम लोग वापस यहाँ के चेक करेंगे मेरे पास कितनी कंप्लेंट्स है मैम। तो ये कंप्लेंट्स क्यों आ रही है? वेट शांत यस मैम या यू मे कम्प्लीट यस मैम। It could be if more than 70-80% of people are complaining, then I will have to review the whole thing in a different way. If it is 2% of candidates complaining, then it is a different thing. मुझे क्वांटम तो देख लेने दीजिए, अभी तक मेरे पास एक कागज नहीं है और आप मेरे से नहीं। You are saying कि फर्स्ट वाले जो बैच है उन्होंने अपनी कंप्लेन दी है आपको? नहीं दी है, उन्होंने कंप्लेन आपको नहीं दी? रुक जाओ आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट। तो मैम इफ वी आर गिव हम लोग आपको कंप्लेंट दे देंगे मैम, लेकिन अगर ग्रॉस नंबर हो रहा है क्योंकि पर्सन यहाँ इतने हैं, आपके पास अमाउंट अराउंड 40 कंप्लेंट्स होंगी, 40-50 एक मैम आइडिया ले रहे, चलिए 50 कंप्लेंट होंगी मैक्स होंगी मैम, इट इज नॉट सो डिफिकल्ट बिकॉज अरे वेट अरे जरा मैम आप एक डेट तो बता दीजिए, क्योंकि एक किसी भी प्रोसेसिंग की स्पीड होती है, आप हमें वो बताइए कि हमारा वहाँ तक होगा, पता चले रिजल्ट आ गया हम आपके पीछे भी नहीं पड़ सकते, और वैसे भी रिजल्ट क्या हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं मैम। बहुत से सेंटर में एग्जाम प्रॉपरली कंडक्ट हुआ है। हाँ बस रुक जाओ मैम, इसका समाधान कैसे होगा?
मैम इट इज जेन्युइन बिल्कुल आप देखिए सब लोग रिकॉर्डेड है ना तो उनकी एक्सेप्ट जो इन्होंने बोली है यस मैम व्हाट्स नंबर या कुछ भी जो भी हो यस मैम आप अपना ईमेल मुझे हम लोग को दीजिए क्वेश्चन याद कर लो मैम हम लोग कंप्लेंट आपको दे रहे हैं आप क्या हमें एक जगह लिख के दे सकते हैं कुछ प्रॉब्लम हुई दैट्स व्हाई सम पीपल आर सेइंग दैट हम लोग आपको लिए आप बस साइन कर दीजिए उस पर बाय मैम व्हाट द इशू हियर वन मिनट मैम मैम हमारी प्रॉब्लम सुनिए हां सर एक मिनट मैम इसमें इशू क्या है ASRRB नोट ASRRBmumbai@gmail.com मैम ये RRB की होगी ना साइट RRB की ईमेल होगी ये मैम वन मिनट मैम प्लीज गिव अस अश्योरेंस इन रिटर्न आए थे माय वर्ड आप लोग सब रिकॉर्ड कर रहे हैं यस मैम आप बोल चुके हैं आई एम गोइंग टू लुक एट ईच एंड एवरी जेन्युइन कंप्लेंट चलो ओके ओके